नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंकित पांडे फ्रॉम भारत में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन कैसीनो गेम्स के बारे में। अब ऑनलाइन कैसीनो गेम्स में काफ़ी सारे गेम्स होते हैं, बट मैं यहां पे आपसे बात करने वाला हूं कैसीनो का रूलेट गेम। इसके साथ कैसीनो का एक होता है ड्रैगन टाइगर गेम। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, आपको जो मैं जानकारी दूंगा वो दूंगा कैसीनो के रूलेट गेम्स के बारे में। इसको मैं आपके सामने डीपली एनालिसिस करने वाला हूं और डीपली एक्सप्लेन करूंगा, और मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि जो भी लोग कैसीनो का रूलेट गेम प्ले करते हैं या फिर कैसीनो का कोई भी गेम प्ले करते हैं उनका ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो भी लोग इसको यहाँ पे प्ले करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो भी लोग कैसीनो का गेम प्ले करते हैं वो ओवरऑल लॉस में जाते हैं, हर किसी को पता है। तो जब यहाँ पे पूरा मार्केट ओवरऑल लॉस में जाता है, हर किसी को पता है, लोग यहाँ पे लॉस कर ही देते हैं, तो आपको पूरे यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी सारे बताएंगे कि हमको कैसीनो में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हमारे पास तरीका है कि कैसीनो में आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो वो अपने कुछ ट्रिक्स हैं, उस फॉर्मूलेस हैं, वो क्या करते हैं सेल करते हैं। ऐसा भी होता है कोई ऐसा बताएगा कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, कितना रियल है, कितना फेक है, सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊँगा, अगर आप कैसीनो में बिल्कुल न्यू हो तब तो रिज़ल्ट आपका लॉस में ही होगा। आप क्या करोगे कुछ समय, मतलब जैसे अगर आप बिल्कुल यहाँ पे न्यू हो आप यहाँ पे विन करोगे, एक दिन करोगे, दो दिन करोगे, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, आपका लालच बढ़ेगा क्योंकि आप गेम के बारे में जानते नहीं हो। आप थोड़ा बहुत जानोगे, थोड़ा उस हिसाब से आप बैट करोगे, आप उस थोड़ा जितना भी आपको यहाँ पे जानकारी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लस होगे। फिर जिस तरीके से आप यहाँ पे प्लस हो रहे थे उस तरीके से भी प्लस होगे आगे भी, बट जिस तरीके से आप अभी तक प्लस होते जा रहे थे अब उस तरीके से आप प्लस ना होकर आपका वहीं पर लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो एक इस चीज़ को समझिएगा, कैसीनो पूरा दिमाग का गेम है। जब आप यहाँ पे प्लस हो रहे थे तो आप यही मानो कि आप भले न्यू थे यहाँ पे, बट आपके पास कोई ट्रिक आ ही गया था। भले वो आप ट्रिक के मकसद से बैट प्लेस नहीं कर रहे थे लेकिन प्ले करने में आपका एक ट्रिक ही था वो, ठीक है ना। फिर इसके साथ जब आपका यहाँ पे एक तरीका ऐसा था कि जब आपका यहाँ पे प्लस हो रहा था, अब यही तरीका काम क्यों नहीं कर रहा है। जब आपका लॉस हो जाता है वो तरीका फिर से काम करने लग जाता है क्योंकि आपके पास बैलेंस अब होता नहीं, पूरा बैलेंस आपका यहाँ पे लॉस हो गया। अब आप उस गेम को जब वॉच करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही यहाँ पे नंबर आ रहा है। क्यों ऐसा? उसका रीज़न ये है, कैसीनो हमेशा एक तरीके से नहीं चलता है। दूसरा मैं आपको बता दूँ, जिस हिसाब से जैसे आप यहाँ पर कैसीनो प्ले कर रहे थे, आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, उसी वक्त किसी और का यहाँ पे लॉस हो रहा था, ठीक है ना। और जब आपका यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो गया है उस समय किसी और का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है। यानी कि जो सीक्वेंस आप पकड़ रहे हैं, जिस सीक्वेंस को पकड़ के आप अपना प्रॉफिट करवा रहे हैं, उसी सीक्वेंस को कोई और पकड़ रहा है तो उसका वहाँ पे लॉस हो रहा है, उसका कुछ और ट्रिक हो सकता है। और जब उसका यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है यानी कि सीक्वेंस उसके फेवर में चल रहा है, बट यहाँ पे सीक्वेंस आपके फेवर में जब नहीं चलता है, जब आपके हिसाब के नंबर नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब आप किसी का ट्रिक सीखते हैं, किसी से ट्रिक लेते हैं, तो उस समय तो आपके फेवर के नंबर आ रहे होते हैं, आपका ट्रिक काम कर रहा होता है, ठीक है ना। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी ट्रिक काम नहीं करती, कितना भी आप लॉजिक लगा लेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे लॉस होता है, उस समय किसी और का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता है, सबसे बड़ी चीज़ है। अब कैसीनो रूलेट गेम में यहाँ पे देखिए इतने ज़्यादा गेम्स हैं, पैसे कमाने के इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं, फिर भी आप कैसीनो को कहीं तरीके से नहीं पकड़ सकते हैं। आप कैसीनो को जहाँ से पकड़ेंगे कैसीनो आपको वहीं से तोड़ देगा। अब कैसीनो में डजन होते हैं, फर्स्ट डजन, सेकंड डजन, थर्ड डजन। कैसीनो में कॉलम होते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब डजन में क्या होता है, जैसे कैसीनो में ओवरऑल 36 नंबर होते हैं और एक होता है ज़ीरो, उसको मिला के टोटल 37 नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट डजन जैसे मैंने आपसे बताया, तो फर्स्ट डजन में क्या होता है, एक से लेकर 12 तक के नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 1 से 12 तक के नंबर जो होते हैं वो फर्स्ट डजन होता है। सेकंड डजन 13 से लेकर 24 तक, और थर्ड डजन 25 से लेकर 36 तक। फिर इसके बाद आता है कॉलम,
जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर होते हैं, तो कॉलम में क्या हुआ 1, 4, 7, 10 ये जो होते हैं नंबर, ये होते हैं कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर किसी आप डजन में बैट प्लेस करेंगे, अगर आप यहाँ पे 1,000 रुपये लगाते हैं तो आपको बदले में जब आप अगर विन कर लेते हैं तो आपका 1,000 के 3,000 रुपये मिलते हैं। कॉलम में भी आपको यहाँ पे 1,000 के 3,000 मिलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे बात करें, रेड एंड ब्लैक होता है, उसमें आपको डबल मिलता है। इवन ऑड होता है, रेड ब्लैक इवन ऑड, और आपका यहाँ पे फर्स्ट 18 लास्ट 18। तो फर्स्ट 18 में यानी कि 1 से लेकर 18 तक के नंबर, लास्ट 18 का मतलब है 19 से लेकर 36 तक के नंबर। यहाँ पे इसको हाई लो भी आप कह सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, अगर आप यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस अपना लो, कोई भी ट्रिक अपना लो, आपका यहाँ पे क्या होगा, कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा। होता क्या है कि जैसे अभी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे किसी और पर लॉस हो रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगर आप कोई ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आपने कोई ट्रिक बनाया खुद से, हो सकता है आपने बनाया हो, या फिर आपने, आपको किसी ने बताया हो, या फिर आपने कहीं मार्केट से बाय किया हो, कोर्स भी होता है इसका, लोग बताते हैं कि आप यहाँ पे हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, फिर हम आपको यहाँ पे रूलेट के बारे में बताएंगे, उसको कैसे प्ले करना है। तो जब आप, मान लीजिए अगर आप ट्रिक कहीं से ले भी आते हैं, वो ट्रिक भी कभी आपकी वर्क करेगी और बहुत बार वर्क नहीं करेगी। उसका रीज़न यही होता है कि जब आपकी ट्रिक वर्क करती है तो किसी और की ट्रिक वर्क नहीं करती। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारे पास जो भी ट्रिक वो हमेशा काम करे, क्यों फिर हमारी ट्रिक फेल हो जाती है? आखिर होता ये है कि कैसीनो मतलब चेंज होता रहता है, दिन में कुछ और चलेगा, एक घंटे कुछ और चलेगा, दूसरे घंटे वो अलग चलेगा, मतलब हमेशा आपके फेवर के नंबर नहीं आएंगे, ये नंबर हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये एक मतलब आपके अंदर एक मिथ पैदा कर देता है, जब आपको लगता है कि हाँ कैसीनो में इस तरह के नंबर आते हैं, अगर आप एल्गोरिथम को पकड़ लेंगे कैसीनो के, तो वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे मतलब आप उससे हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे। ये बात कैसीनो को भी पता है, तो वो एल्गोरिथम को चेंज करता रहता है, नंबर देने के जो उसके तरीके होते हैं उसको चेंज करता रहता है। वो ये चीज़ जब भी कैसीनो यहाँ पे मेंटेनेंस में जाता है, तो आखिर होता क्या है, कैसीनो भी देखता है लोग यहाँ पे किस तरीके की बैट्स प्लेस कर रहे हैं, तो उसके पास भी आपका ट्रिक कहीं ना कहीं पहुँच जाता है। तो वो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा काम करता है, और जितने भी नंबर आते हैं सब स्क्रिप्टिंग होते हैं, पहले से डिज़ाइन होते हैं कि नंबर यहाँ पे कहाँ देना है। अगर आप सोचेंगे, इसीलिए अगर आप सोचेंगे कैसीनो में हम रेड एंड ब्लैक पकड़ेंगे, तो आप रेड एंड ब्लैक भी नहीं पकड़ पाओगे। आप यहाँ पे रेड सोचेंगे, चलो ठीक है 3 से 4 बार रेड आएगा तो आप ब्लैक आएगा। आप इस तरह अगर बैट प्लेस करोगे, आप विन करोगे, लेकिन इसी तरीके में फिर आपका लॉस भी होगा। जैसे 3 बार रेड आया, अब आपको लगेगा ब्लैक आएगा, आपने बैट प्लेस किया, लेकिन यहाँ 3 बार रेड था, 1 बार रेड और आ गया, आपने क्या किया, 100 की जगह 200 लगाया ब्लैक पे, अब वहाँ पे आपका ब्लैक आ गया। तो आपको एक मिथ पैदा हो गई कि 4 बार रेड आएगा तो 5वीं बार ब्लैक आएगा, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे 4 बार रेड आएगा, तो फिर आप पहले सोच लेंगे जब 4 बार रेड आएगा तब मैं ब्लैक में करूँगा, तो 5वीं बार भी रेड आ जाएगा, फिर 6वीं बार भी रेड आ जाएगा, फिर आप डबल करेंगे, बोलेंगे यार 6 बार दे दिया यार, चलो ठीक है अब 7वीं बार तो नहीं देगा, फिर 7वीं बार आपका ब्लैक दे देगा। तो आपको एक मिथ पैदा होगी कि नहीं यार 4 बार देता है या ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार देता है, ये एक मिथ पैदा कर रहा है। जब आप इसको एक्चुअली में प्ले करोगे ना, तो आप जब डबल करते जाओगे तो आप इसमें विन करोगे, 7वीं बार ब्लैक दे देगा, 8वीं बार ब्लैक दे देगा, बट फिर ऐसा भी होगा जब आप डबल करते जाओगे तो कम से कम ये 4 से 6 बार आपने देखा था, बट ये कम से कम 10, 10, 15, 15, 20, 20 बार ब्लैक 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 ऐसे नंबर भी आते हैं। इसी प्रकार अगर आप रेड उठाओगे तो रेड 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 ऐसे भी नंबर आते हैं। रेड एंड ब्लैक ट्राई करोगे, मतलब एक तो मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होता है, आप रेड ब्लैक अगर पकड़ोगे तो उसमें भी आपके साथ ऐसा हो जाता है। सेकंड, मैं अगर आपसे यहाँ पे कहूँ डजन, 3 डजन होते हैं, 3 डजन में अगर आप सोचोगे कि यार 4 बार नंबर फर्स्ट डजन में आया है तब सेकंड थर्ड में आएगा, पता चलता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो फर्स्ट डजन में ही 10 बार नंबर दे देता है। फिर अगर आप सोचोगे यार मैं जिस डजन जो डजन है उस डजन में नंबर जो आ गया है तो उस डजन को ही पकड़ना है, एक या मतलब जो बाकी के 2 डजन है उसमें से भी कोई 1 डजन ले लेना है, तो फिर आप ये देखोगे कि पहला डजन में आएगा, फिर दूसरे में आएगा, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, डजन भी कभी कभी ऐसा होता है फ्लैक्चुएट होता रहेगा। जो उसी डजन को पकड़ के चलते हैं उनका भी लॉस हो रहा, जो सोचते हैं कि 4 बार 1 डजन में आ चुका है अब सेकंड थर्ड में आएगा, उनका भी यहाँ पे प्रॉफिट होता है, फिर लॉस हो जाता है।
पता चलता है कि हम दो डजन में डबल 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 करते जाते हैं, और मतलब अगर हम तीसरे डजन और पहले डजन को पकड़ रहे हैं तो नंबर सेकंड डजन में देता चला जाएगा, अगर हम पहला डजन दूसरा डजन पकड़ रहे हैं तो तीसरे डजन में नंबर देता चला जाएगा। तो ये चीज़ें भी होती है, तो हम डजन को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, रेड एंड ब्लैक भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, फर्स्ट 18 एंड लास्ट 18 जो होते हैं उसमें भी कुछ इसी प्रकार सा होगा। तो आप इसको जहाँ से पकड़ोगे, अब जैसे नंबर होते हैं इंटर वाले जो नंबर होते हैं जिसमें अपना स्प्लिट होता है, कॉर्नर होता है, सिक्स लाइन होती है जिसको डुअल लाइन भी कहते हैं, सिंगल स्ट्रीट होती है ना, तो आप अगर इनको भी पकड़ना चालू करेंगे तो आप ये देखेंगे जब इसमें आप बैट प्लेस करेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे कि आप उनको भी नहीं पकड़ पाएंगे, कहीं ना कहीं वो ट्रिक भी आपकी फेल हो जाएगी। अगर आपने रेड एंड ब्लैक में कोई ट्रिक बनाया है तो वहाँ की भी ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी, अगर आपने डजन में कोई ट्रिक बनाया है तो आपकी डजन में भी ट्रिक फेल हो जाएगी। आप इसको जहाँ से पकड़ते हो कैसीनो आपको वहीं से तोड़ता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, इसीलिए लोग यहाँ पे लॉस में चले जाते हैं। जिसको इतनी चीज़ें पता चल जाती है, अगर वो भी यहाँ पे आएगा, अगर कोई ऐसा सोचता है कि मतलब जितने भी नंबर कैसीनो में आ रहे हैं आने दो, उनका कोई ना कोई एक ऐसा नंबर आता है जिसमें वो उनको लगता है कि मैं 90-95% ऐसा है कि मैं यहाँ पे विन कर सकता हूँ, उनका भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा किस्मत या कह लो या फिर लक की बात है, उनका यहाँ पे भी कभी ना कभी लॉस हो जाएगा और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कैसीनो में प्रॉफिट कर पा रहे हैं, कैसीनो को कम से कम टाइम देंगे तो ही आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाएंगे, और अगर ऐसा कोई गारंटी नहीं है कम से कम टाइम दे रहे हैं तो भी कमा तो रहे हैं लेकिन कभी भी आपका लॉस हो सकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो यही कहेंगे, कैसीनो एक दिमाग का गेम है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम है, तो इस गेम को तो बिल्कुल अवॉइड करें, वो तो सबसे पहली चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम टाइम दीजिए, थोड़ा बहुत अगर आपकी अर्निंग हो रही है उतने में खुश रहिए, ज़्यादा डबल ट्रिपल करने के चक्कर में मत फंसिए, है ना। तो फिलहाल अभी वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो को जो अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।